क्योंकि इस ट्रेलर के सबटाइटल्स नहीं थे और ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में है जो कि हमें समझ नहीं आती है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। तो अगर कोई साउथ इंडियन देख रहा है अब उसको हमारी पता नहीं हिंदी समझ आ रही होगी, तो जिसको हिंदी समझ आ रही हो हमारी या हमारा रिएक्शन समझ आ रहा हो तो वो हमें नीचे थोड़ी सी स्टोरी लाइन लिख के कमेंट बॉक्स में बता दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर, और मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और मैं हूँ सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक ट्रेलर, ट्रेलर का इस फिल्म का नाम है असुरन और इसमें धनुष है। तो धनुष का हम हिंदी मूवीज में भी देख चुके हैं और वहाँ तो साउथ इंडिया के तो कमाल है। और वेट्री मारन ये इसके डायरेक्टर हैं। तो शुरू करते हैं ये ट्रेलर। म्यूजिक तनिया सबटाइटल नहीं है भाई। तगड़ी कुछ लग रहा है ये तो, थ्रिलर भाई, मार काट थ्रिलर ही लग रही है। एक पता नहीं क्या है ये, मतलब म्यूजिक के साथ जुड़ी है, टाटा टाटा गांव की स्टोरी है, मतलब वो पूरा उसी से जो वो नहीं तो ये जमीन जमीन जमींदार और किसान के बीच में जो है तो उस टाइप का कुछ चल, उनके बीच लड़ाइयां चल रही होती है और वो बच के छुप रहे होते जंगलों में और फिर वहां से करके? क्योंकि इस ट्रेलर के सबटाइटल्स नहीं थे और ये साउथ इंडियन लैंग्वेज में है जो कि हमें समझ नहीं आती है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। तो अगर कोई साउथ इंडियन देख रहा है अब उसको हमारी पता नहीं हिंदी समझ आ रही होगी, तो जिसको हिंदी समझ आ रही हो हमारी या हमारा रिएक्शन समझ आ रहा हो तो वो हमें नीचे थोड़ी सी स्टोरी लाइन लिख के कमेंट बॉक्स में बता दें। लेकिन ट्रेलर का मैं बताता हूँ कि नेचुरल लग रहा था बिल्कुल, ऐसा ओवर वाले एक्शन नहीं थे कि एक घूंसा मारा तो उड़ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वैसा ही हो रहा है ना। हाँ, जैसे वो भाला उठाता है भाई, साउंड इफेक्ट और साउंड इफेक्ट्स जो हैं वो अच्छे, बहुत अच्छे यूज किए हुए हैं। प्लस उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, जो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक है या पता नहीं उसका म्यूजिक है, किसी गाने का म्यूजिक भी हो सकता है वो। और लोकेशन बहुत अच्छे अच्छे चूज करी है, रात का जो सीन बनाया इन्होंने खेतों का और जंगलों का, वो बिल्कुल एक नेचुरल ऐसे दिखाया कि रियलिटी में बिल्कुल कि यदि रात में फंस जाता तो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे रात में हमारी आंखों से जैसे दिखता है वैसे कैमरा यूज किया हुआ। और क्या एक्टिंग करी है, नहीं जो बिल्कुल धनुष मतलब शुरू में जब आता है तो वो लगता नहीं है कि वो ही है, इतना अच्छे तरीके से उनका मेकअप किया हुआ है, इतने अच्छे से उनकी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी से चेंज की है। वो तो सभी को पता है धनुष बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये तो हमने बहुत सारी मूवीज में आज तक देख चुके हैं। पर उनकी ओल्ड एज भी दिखाई है उसी में, मतलब ओल्ड एज दिखाई है, ओल्ड एज भी दिखाई है, यंग भी दिखाया है, और यंग मिडल और ओल्ड ये तीनों स्टेजेस दिखाई हुई हैं उनकी, तो स्टोरी अच्छी लंबी होगी। थोड़ा बहुत रोमांटिक भी है मूवी में,
रोमांस थोड़ा सा है, थोड़ा सा वो रिलेशंस की वो दिखाई है, जब एक पति पत्नी होते हैं और जब परिवार के ऊपर आपदा आई होती है, दिक्कत आई होती है, तो उनके बीच के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चराइज किए। टेक्निकल लेवल पे देखें तो मूवी के कलर्स बहुत अच्छे दिए उन्होंने, और वो कलर बिल्कुल मूवी की थीम को बिल्कुल मैच करते हुए कलर्स हैं। और इसके अलावा बाकी तो ट्रेलर जिस हिसाब से ट्रेलर आते हैं उस हिसाब से ये बहुत छोटा है, ये एक मिनट समथिंग 38 सेकंड के अराउंड है, तो बहुत छोटा है, ये टीजर की तरह है, लिखा तो ट्रेलर है एक्चुअली वीडियो के ऊपर लेकिन टीजर के जैसा लगा है। तो ये इतना ही रिएक्शन है हमारा, क्योंकि हमें उतना समझ नहीं आया, तो किसी को आ रहा हो समझ तो प्लीज़ कमेंट करके लिख दें आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको क्या स्टोरी लाइन समझ में आई, ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए भी लिख दें ताकि हम पढ़ के थोड़े से हम बात करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ बैठ के हमारा रिएक्शन वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और इसी के साथ इस वीडियो को, जो हमारा ये वीडियो है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।